अस्सलाम वालेकुम डियर गार्डनर्स, वेलकम बैक। ये मेरे चिलीज के कुछ प्लांट्स पे आज हार्वेस्ट तैयार है। ये देखें कैसे खूबसूरत हैं, माशाल्लाह। बहुत लंबी लंबी सी इनके ऊपर ये चिलीज लगी हुई हैं, बहुत हेल्दी हैं। आज मैं इनकी हार्वेस्ट करता हूँ। मैंने सोचा आपको भी इतनी हेल्दी चिलीज़ की हार्वेस्ट में दिखाता चलता हूँ। इनका उगाने का जो डिटेल्ड प्रोसीजर है, सीड से लेकर यहाँ फ्रूटिंग तक, ये ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे वीडियो में शेयर किया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं अगर आप भी उगाना चाहते हैं तो। बहुत ज़बरदस्त इनकी फ्रूटिंग है जी, वेरी वेरी हेल्दी। माशाल्लाह, ये देखें जी, ये एक प्लांट से इतनी उतरी हैं और काफ़ी अच्छी अच्छी हैं। अब चलते हैं दूसरे प्लांट की तरफ। इस प्लांट में कुछ मैंने ये सीड के लिए रख दी हैं जो रेड हो रही हैं, कुछ ग्रीन जो हैं इनको मैं उतारता हूँ। ये काफ़ी बड़े साइज़ की हैं। और ये हैं जी पेपर मार्कोनी रेड जी, पेपर मार्कोनी रेड हैं। माय लिटिल गार्डनर इज़ हेल्पिंग मी। तो ये तीन जो हैं फ्रूट इसके रहने देता हूँ। ये मैंने इसमें से ये उतारी हैं। अब इससे भी नेक्स्ट प्लांट की तरफ चलता हूँ। इसकी भी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त फ्रूटिंग है, एनहम वैरायटी है ये, और इसमें भी चिलीज़ का साइज़ काफ़ी अच्छा है। ये भी ज़बरदस्त फ्रूटिंग इस पे ऊपर भी हो रही है जी। कुछ इसकी भी मैंने चिलीज रेड होने के लिए ये छोड़ दी हैं, इनके सीड्स बनेंगे जो नेक्स्ट सीज़न में काम आएंगे। एक बार अगर आपके पास कोई अच्छी वैरायटी आ जाती है तो फिर आप ट्राई करें कि उसके जो सीड्स हैं उनको सेव किया जाए ताकि वो नेक्स्ट जनरेशन में काम आ सके। तो आज की ये हार्वेस्ट है जी। ये देखें जी, तीन डिफरेंट वैरायटीज। ये मार्कोनी रेड है, हार्ट प्यूसा ज्वेला है, और एनहम वैरायटी है। ये देखें,